खरगोन जिले के बरौर थाना क्षेत्र के समीप ग्राम कोठा बुजुर्ग में अज्ञात चोरों ने किसानों के खेतों में लगे सोलर पंप में कंट्रोलर की चोरी कर ली है। आए दिन खेतों में हो रही चोरी की वारदातों से किसानों में रोष है, तो वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी किसान सवाल खड़े कर रहे हैं। पीड़ित किसान एवं क्षेत्र के ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को आवेदन देकर खेतों में हो रही चोरी की वारदातों को अंकुश लगाने एवं उचित कार्यवाही करने की मांग की। किसानों से मिली जानकारी के अनुसार किसानों को मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत 3 हॉर्स पावर का सोलर पैनल और कंट्रोलर मिला था, जिसको किसानों ने अपने खेतों में लगाए थे। जब किसान करीब आज सुबह 9 बजे अपने खेत में गया तो देखा कि सोलर पंप में कंट्रोलर नहीं लगा हुआ है, जिसकी सूचना किसान द्वारा गांव के ग्रामीणों को दी गई और बताया कि मेरे सोलर पंप में लगे कंट्रोलर को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई है। वहीं किसान द्वारा ग्रामीणों के साथ थाना बरौड़ में आकर अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और उचित कार्यवाही की मांग की है। बरौड़ से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। किस संबंध में थाने पे आवेदन देना है, क्या मामला है? सर, ये हमारे ना सर सोलर पैनल आज चोरी हो गई, उसके संबंध में आवेदन देने आए थे सर को। उससे पूर्व भी 2 साल पहले हमारी पूरा सेट गया है, 9 प्लेटें सोलर पैनल और वो कंट्रोलर कौन से, और अभी 2 भी गई है कंट्रोलर। इसके पहले भी आवेदन दिया था? इसके पहले FIR भी दी थी, आवेदन भी दिया था। अभी आपने FIR दर्ज करी, आवेदन दिया है? अभी ये फिलहाल दोनों की आवेदन दिया है। क्या नाम है आपका? नितेश कुमरावत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।